मित्रों, ये जो आप क्लास देख रहे हैं ये क्लास S4F, जिसे हम लोग नवी जो नवी कक्षा है उसे हम लोग S4 कहते हैं और F ही सेक्शन है। जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि ये एक नाइन्थ के दूसरे सेक्शन ने अभिनय बहुत अच्छा करके हमको दिखाया, तो वहाँ तो हमने प्रोडक्ट देखा था कि वो एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम देखेंगे इसका प्रोसेस कि किस तरीके से ये बच्चे अपना काम कर रहे हैं। इस पूरी कक्षा को 5 अलग अलग समूहों में, ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसके अलग अलग लीडर्स हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग आप अभी देखेंगे। वो अपने ग्रुप्स के साथ कक्षा में, क्लासरूम में किस तरह इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं। कुछ ने अपनी स्क्रिप्ट लिख ली है, कुछ ने नहीं लिखी है, कुछ ने अपने अपने कैरेक्टर्स को बांट दिया है कि किसी को क्या करना है, कईयों ने नहीं बांटा है। तो हम इसको एज इट इज, इनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई है, ये शोर भी करेंगे, जो बच्चे हरकतें करते हैं ये करेंगे, और उनको हम लोग लाइव बाद में इसमें देखेंगे। एक बच्ची है जो इस कैमरा को ऑपरेट कर रही है, यही आपको अपनी आंखों से इस पूरी क्लास का ये तरीका दिखाएगी। आपका नाम बेटा मैं भूल रहा हूँ? राजेश्विता। आप इस पूरी क्लास को एक बार दिखाएं कैमरे में, धीरे धीरे सबको दिखाएं। ओके, नाउ ग्रुप नंबर 1 खड़े हो जाएं। ग्रुप नंबर 1 आप पीछे आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 आप पीछे आ रहे हैं, तो आपका स्थान सुरक्षित है। ग्रुप नंबर 3 आप अपनी जगह आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 4 आप अपनी जगह आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 5 वो यहाँ आ रहे हैं। आपने देखा कि इस तरह इस पूरी कक्षा का अलग अलग समूहों में विभाजन कर दिया गया। बच्चों को इस कक्षा के अंदर ही अलग अलग हमने जगह दी कि जहां वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें और बैठ कर के काम कर सकें। तो पूरी कक्षा का विभाजन हम 5 या 6 अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। जैसे एक समूह देखें काम करते हुए, जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, इनकी ग्रुप लीडर है जो काम कर रही है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और आगे एक बार पूरे ग्रुप्स को आप एक साथ दिखा दें। आप ग्रुप नंबर 1 को देख रहे हैं काम करते हुए, जिसमें 4 बच्चे आ जाए हैं। कुछ बच्चे खेलने के लिए अभी हमारे स्पोर्ट्स पे गए हुए हैं, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। आपकी लीडर कौन है बेटा? आपका लीडर आप हैं। आपकी क्या तैयारी हुई है, जोर से बताएं। सर, अभी हमारी स्क्रिप्ट बन चुकी है। जोर से बोलें। सर, हमारी स्क्रिप्ट अभी बन चुकी है। एडिटिंग करनी है। एडिटिंग किसने लिखा है? साईशा। हाँ, कुछ नए कैरेक्टर ऐड करे हैं? यस सर, करे हैं आपने ऐड? अभी हम एक दो और भी ऐड करेंगे। कुछ कैरेक्टर्स और भी ऐड करेंगे। कुछ नए ऐड करे हैं और अभी और करने भी हैं एक दो। ओके ओके, कितने कैरेक्टर और ऐड हैं इसमें? 7 to 8। ये स्क्रिप्ट को क्या किसी एक ही जने ने लिखा है? नहीं सर। हाँ, तीन लोगों ने मिलके लिखा है इसको। ओके, चलिए आप प्रैक्टिस करें, फिर हम लोग देखते हैं कैसे किया जा सकता है।